हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। गाइस, आप सभी को मेरी ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो रीडिंग में लेकर आई हूँ, उसका टॉपिक ये है कि माँ लक्ष्मी, सरस्वती एंड गणेशा आपको क्या गिफ्ट देना चाहते हैं इस दिवाली, आपसे क्या बातें करना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, ओके, और उनकी तरफ से आपके लिए क्या सरप्राइजेस है, क्या गिफ्ट है आपके लिए। सो चलिए देखते हैं, रीडिंग आप सभी के लिए है, ऑल साइंस रीडिंग है, टाइम लेस है। सो चलिए देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको माँ लक्ष्मी, सरस्वती एंड गणेशा, और उनकी तरफ से आपके लिए गिफ्ट क्या है इस दिवाली। पॉसिबिलिटीज। सो माँ लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश आपसे ये कहना चाहते हैं, पहली बात तो ये वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अकेला फील ना करें, ठीक है। वो आपको हर वक्त देते हैं, देखिए अगर आप प्योर हो, अगर आप इतने अच्छे पर्सन हो, इतने अच्छे इंसान हो जो दूसरे की भलाई चाहते हैं, दूसरे को खुशियाँ देखते हो, ठीक है, तो आपको भी लाइफ में खुशियाँ मिलेगी, ठीक है। आप अकेले नहीं हो, वो आपको वॉच करते हैं, वो आपको देख रहे हैं और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो किसी भी एरिया में, लव लाइफ में, कैरियर में, स्टडी में, जिस भी लेवल में, जिस भी एरिया में आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, वो उसमें पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, कि आपको सक्सेस मिलेगी। आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको ये फील नहीं करना है कि आप अकेले पड़ गए हो या अकेले हो, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, ये आपको नहीं फील करना है। यूनिवर्स आपके साथ है और आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स आपके साथ है। और जिस भी एरिया में आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आपको होपफुल रहना है, होप नहीं छोड़ना है। अगर राइट नाउ आपका सिचुएशन कुछ ऐसा है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है, डार्क है, तो सुबह होने ही वाला है आपके लाइफ में, ठीक है। खुश हो जाइए, जो भी आपके माइंड में थॉट है कि मेरा ये काम बनेगा कि नहीं, आपको उसमें सक्सेस मिलेगा, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। ये यूनिवर्स का, माँ लक्ष्मी, सरस्वती और गणेशा का मैसेज है आपके लिए, तो आप पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए। और क्या मैसेज है माँ लक्ष्मी, सरस्वती एंड गणेशा का आपके लिए? थंडर बोल्ट और यहाँ पर है मोरालिटी। तो गाइस, हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन आया है कि आपने किसी को खोया है, अपने लव वंस को, ठीक है, जो आपके काफ़ी ज़्यादा करीब थे, उस पर्सन को आपने खोया है, ऐसा हो सकता है। तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी, सरस्वती एंड गणेश आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप बंद कर मत रहिए, ठीक है, आप किसी सिचुएशन में स्टक मत रहिए और निगेटिव मत होइए। ये होना ही था, जो भी आपके लाइफ में हुआ ये होना ही था, ठीक है, तो आपको निगेटिव नहीं होना है इस सिचुएशन में, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और पॉजिटिव ही रहिए। अगर कोई सिचुएशन, अगर कोई निगेटिव लोग आपके आसपास हैं जो आपको रोक रहे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, अगर कोई निगेटिव लोग हैं, ठीक है, जो आपको रोक रहे हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपके जैसे कि आपके कैरियर में हो सकता है, ठीक है, कि वो ऐसा कह रहे हैं कि आपसे, आप आगे बढ़ना चाहते हो अपने लाइफ में, आप ग्रोथ करना चाहते हो, बट वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आपको निगेटिव बात करते हैं आपसे, जिससे आपका मनोबल टूट जाता है। तो ऐसे लोगों को आपको इग्नोर करना है, अपने लाइफ से निकालना है, ठीक है, निकालना है इन द सेंस, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ से उनको टोटली निकाल ही दो, बट उनके बात को आपको इग्नोर करना है जो आपको निगेटिव करता है, ठीक है, जो लोग आपको निगेटिव करते हैं, जो आपका मनोबल तोड़ते हैं, ठीक है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, ऐसे लोगों की बातों को आपको इग्नोर करना है, ऐसे लोगों को आपको अवॉइड करना है और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है एंड पॉजिटिव रहिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। आप अपने लाइफ के जिस भी एरिया में आगे बढ़े हो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको रुकना नहीं है, ठीक है। मोरालिटी अगेन, देखिए मुझे लग रहा है कि आपका सिचुएशन कुछ ऐसा है कि कुछ तो आपको ना कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है,
अगर कोई निगेटिव सिचुएशन है तो लेट गो कीजिए, जिसमें आपको हर्ट पहुंच रहा है, आपको पेन मिल रहा है, उस सिचुएशन को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप उस सिचुएशन को लेट गो कीजिए, उस पर्सन को लेट गो कीजिए जो आपको रोक रहा है, जो आपको निगेटिव कर रहा है, जो आपको हर्ट पहुँचा रहा है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। देखिए, हो सकता है कि आप अपने लवर के लिए रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, उनके बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपके लवर जो आपके पर्सन है, जो आपके पार्टनर है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, बट आप नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। और वो पर्सन आपको भी चाहते हैं और किसी और को भी चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है। और अगर आप कैरियर में आप कुछ स्टूडेंट हो, ठीक है, या तो आप बिजनेसमैन हो, आप कुछ बिजनेस करना चाहते हो, करने के लिए सोच रहे हो, या आप जो भी आप जिस भी एरिया में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो और उसमें कोई लोग हैं जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए और जो आप चाहते हो वो कीजिए, ठीक है। आपको अपनी खुशी देखना है कि आपको पीस किस में मिलता है, ब्रेक थ्रू, यही जो मैं कह रही थी आपको, आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, ब्रेक थ्रू लाना है, ठीक है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपके हर कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ओके। और खुशियां दस्तक देने वाली है आपकी लाइफ में, ढेर सारा खुशियां देख पा रही हूँ मैं, और यूनिवर्स आपको गाइड किया जा रहा है, आप इग्नोर मत कीजिए, अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुनिए, अपनी अंतरात्मा को सुनिए। और अगर कुछ लोग आपको बार बार वही चीज़ें कह रहे हैं करने को, जैसे कि आप लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है, अगर कुछ ऐसा कह रहे हैं कि देखो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम आगे बढ़ो, तो थोड़ा सा सोचिए, ठीक है, थोड़ा सा रियलिटी को देखिए कि सच्चाई क्या है। अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर है, फ्रेंडलीनेस, तो ट्रू फ्रेंड आपके लाइफ में आने ही वाले हैं, या तो कोई ट्रू लवर, ठीक है, मैं देख पा रही हूँ, जो आपके सोलमेट हो सकते हैं, जो आपको काफ़ी अच्छे से समझेंगे, जिनको आप बहुत अच्छे से समझोगे, आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास्ट पर्सन आपको सही से समझते नहीं थे, या तो आपके लिए एक्शन नहीं लेते थे, स्टैंड नहीं लेते थे, आप दोनों के बीच कास्ट रिलेशन का बहाना बनाकर आपके लाइफ से चले गए, थर्ड पार्टी बुलाया, जो भी है, ठीक है, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में एक सही पर्सन आने वाला है, उसको आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, खुद को लाइफ में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आप जैसा आप हो वैसा आप डिजर्व करते हो, ठीक है, अगर आप एक ट्रू पर्सन हो, एक सही पर्सन हो, एक प्योर पर्सन हो, तो वही सब आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, आप एक्सेप्ट कीजिए। जब तक आप अपने लाइफ में ब्रेक थ्रू नहीं लाओगे, तब तक आप उस पर्सन को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। आप चीज़ों को देखिए, आपको ना किसी पर अंधा भरोसा नहीं करना है, ठीक है, मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में एक सही पर्सन आने वाले हैं, ट्रू फ्रेंड हो सकते हैं, ट्रू लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, ट्रू लवर हो सकते हैं, वो आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी एंट्री लेने वाले हैं, ठीक है, जिनसे मिलकर आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होंगे, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पी करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होंगे, आप पीस ऑफ माइंड में रहोगे और आप अपने कैरियर में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाले हो। लेसीनेस आपको अपने लाइफ को बैलेंस में करने की ज़रूरत है, बैलेंस में रहना है आपको, ठीक है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लेसीनेस लगता है कि चलो आराम कर लिया जाए, ठीक है, या आप स्टूडेंट हो सकते हो या सो भी, ठीक है, तो आपको अपने लाइफ को बैलेंस में रखना है, ठीक है, सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे खाना, अपना अच्छे से ख्याल रखना, देर रात तक जगना नहीं है आपको, ओके। रेबेल, अपने लिए स्टैंड ले से, अपने हक के लिए स्टैंड ले से, ओके, जो आप चाहते हो आपको मिलेगा, बट आप स्टैंड तो ले से, आप लाइफ में आगे तो बढ़िए, सब कुछ सही होगा आपके लाइफ में,
जब आप खुद का रिस्पेक्ट करोगे तो और लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे, ओके, और आपको लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने वाला है सोसाइटी से, ओके, लोगों से। आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो और आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा आप पावरफुल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैं आप में आते हुए देख पा रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, और मैं कैरियर में भी आपका काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देख पा रही हूँ, ठीक है। आपको कैरियर में भी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाला है, एक सही पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं, वो आपके ट्रू फ्रेंड हो सकते हैं, ट्रू लवर हो सकते हैं, बट वो पर्सन आपके लाइफ में तभी आएंगे जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, जब आप इस सिचुएशन से, इस एनर्जी से निकलोगे, ओके। मैच्योरिटी, आप आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा मैच्योर होने वाले हो, और कैरियर में आप मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो, और चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि किसी के साथ आपका मैरिज हो जाए, ओके, या तो कोई पर्सन आ रहे हैं जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे आपको, और आपके लाइफ में मैं ढेर सारा खुशियाँ देख पा रही हूँ आने वाले दिनों में, ओके। अगर आप किसी बर्डन में थे, किसी गिल्ट में थे, किसी निगेटिविटी में थे, तो बहुत ही जल्दी आप उससे दूर होने वाले हो, ठीक है, आप इस बर्डन से निकलने वाले हो। अगर किसी पर्सन ने आपको हर्ट पहुंचाया है तो मुझे लग रहा है कि आप उस पर्सन को भूल कर या माफ़ करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। आप अब आपकी एनर्जी में आने वाले दिनों में ये देख पा रही हूँ कि आप खुल कर हंसोगे, ठीक है, दिल से हंसोगे, आप खुद को हील होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, आप खुद को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो, और स्पिरिचुअलिटी आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हो अपने लाइफ में, ओके। तो देख पा रही हूँ आप फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, और एक सही पर्सन से मिलने वाले हो, ओके, एक सही पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाला है। आप आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हो मुझे। सो गाइस, ये रही आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, बाय, टेक केयर, अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रखें।